बेले बेले आम भितर एमती किसी गुण देखा दिए जो गुणटा आम विपदर कारण हो जाए ताकि आउ गोटे गुण हूँ आलस्य। सुनंद ब्राह्मण अत्यंत देव उपासक तांकर सबकिछि भल गुण आज्ञा देवार्चना करिबा तांकर परिवार तांकर पत्नी एवं एकमात्र पुत्र सकाळ उठिबे निजर नित्यकर्म सारी देवसेवा करिबे देवसेवा करि सारिबा परे पत्नी तांकर खाद्य बाढ़ी देबे खाद्य खाई सारिबा परे से आराम रे सोई पड़िबे। ये जीवनटा तांको भारी सुख दिए केवल सकाळ उठिबा निज नित्यकर्म सारिबा भगवान को पूजा करिबा सोइबा पुणी खरा बेला हेले पुणी उठिबा खाइबा सोइबा आउ संध्या समय रे पुणी उठिबा देवासना करिबा देव उपासना करिबा पुणी शयन करिबा ए जीवनटा तांको भारी आनंद दिए किछि काम से करिबे नाही जहाँ मूलिया अच्छा कारण जेहेतु तांकर जगा बाड़ी अधिक थिला जमी बाड़ी अधिक थिला देव उपासना रे मध्य किछि किछि अर्थ तांकु मिलुथिला ब्राह्मण बोली से गाँव लोक माने मध्य किछि दान करुथिले जो थरे से चली जाउथिले किंतु तांकर पत्नी आउ तांकर पुत्र तांकु पर भारी असंतुष्ट थिले कौन करिबा निज परिवार लोक आउ तो से माने ठेली देबेनि तांकु घरु तड़ी देबेनि असंतुष्ट ही बहुत थिले। जणे साधु महात्मा तांकर परिवार आसी पहुँची गले तांकर पत्नी अत्यंत भल पाती साधु संतर सेवा करने कहले महात्मा आज आपण आमरी गृह ही भोजन ग्रहण करेंगे महात्मा राजी ही गले आउ सुनंद ब्राह्मण पत्नी अत्यंत श्रद्धापूर्वक सुस्वादु भोजन कर साधु गोसाई को खावा को दे खावा दे सारे ब्राह्मण को तो केवल भोजन दि जाए सहित दक्षिणा दि जाए जिते विदाय दे घर नुआ वस्त्र ता सहित किछि चाउल एवं दक्षिणा ये सब दबापाई बाहर ले साधु गोसाई आशीर्वाद करिया पई बाहर ले कहले माँ तुम्हें एत जत्न सहित मत खाद्य देल तेरे मु तुमको किछि बर देवाई चाहूँगी तो बर देवाई तुम्हें बाहर ले गृहर कर्ता जीए सुनंद ब्राह्मण है गृहकर्ता सीए प्रथम बर मागापी बाहर ले कहले महाभाग वास्तव में आपण आमको बर देवाई चाहूँगी ना निश्चित चाहूँगी जेहेतु मु आपण घरे खाद्य ग्रहण करीछि मु प्रीत मु आपण को बर देबी ना ताले मते गोटे बर दियंतु सुनंद ब्राह्मण मागुचंती तांको गोटे सुजोग आसी पहुँचिछि मते गोटे बर दियंतु मते किछि काम करबाक पड़िबनि जेते को टिके टिके जहाँ काम करूथिले तांको गोटे सुजोग मिलिछि आउ तांको किछि काम करबाक पड़िबनि एही चिंताधारा नै से साधु गोसाई को बर मागिले कहले मु किछि काम करबिनि केवल खाद्य ग्रहण करी आउ सोई मोर निजर जहाँ नित्यकर्म करी व्यक्तिगत कार्य से करी आउ किछि करी ना साधु बाबा टिके मुहूर्त मात्र नीरव रहिले कहले हाँ मु आपण किए बर दे पारिजे गोटे शर्त कौन से शर्त ना आपण को मु एठी आपण को पाखरे ही गोटे बेताल को रखी जी आपणकर सब काम करिपर बा प्रेत को गोटे मुझे रखी जी आपणकर सब कम कर किंतु जो दिन आपणकर किसी कम नदीपारे कम सरीज से दिन सी आपण को खाईदेव राजी होगल मोर तो ये कम एत बिल मोर अच्छी सब बिल कम कर सी मोर घर कम कर राजी होगला ब्राह्मण कह आज्ञा मुण सर्त राजी मोर किसी कम कर दिंतु प्रेतटा को बेतलटा को छाड़ देक गले से सबकि कम कर चलला बिल रोईवाई कहे सी जाए सांगे सांगे रोईद पल आसो धान बुणापी कहे सी जाए सांगे सांगे बुणी देक आसो बिल हल करने कहे सांगे सांगे हल कर देक आसब जहाँ जावतियों प्रकार कम फसल करने कहे सांगे सांगे से करदे आसब ये आश्चर्य हो जाती आरे मोती जो कम करने ये दिन लगे मूलिया मजूरी धरी करने ये सांगे सांगे केमी दस जन कमटा केमती एत मुहूर्त करदे सी भारी आश्चर्य लगे एमती कम भाभी भाबू भारी भय लगला दिनकर घटना हाथ में आज कि कम ना कौन करेंगे बेतल आसी कहले आपड़ कम देवे ना मुझे खाइबि तर पत्नी कहले बाट को आने सुजोगटा मिली कहले मो पाखे उपाय अच्छी आपण को मुझे विपदर उद्धार करी ना कौन ना आपण एवं प्रतिज्ञा करूँ आप अलसुआन हो घर कम सब करेंगे तो ब्राह्मण राजी हो गला ना बेताल खाईदेव मत कम किसी ना पत्नी जिते यही सर्त रखिले ब्राह्मण जनक कहले हाँ
मुथरक तुम कथा मानी मो पर सब कम करदेवि तुम्हें कितना बेताल को हटे दि ताकर पत्नी कहले कहले बेताल को निर्देश दे आम घर जो पोषा कुकुर अच्छी लाजटा बंका अच्छी ता लाजटा टी सीधा करदे बेताल से लाज सीधा करने काम लगी लाज जो सीधा नाला बाध्य से जगह छाड़ी पलि आसला मुझे कम किसी करना एक कथार आमको यही शिक्षा मिले जे आलस्य ही सबुबले विपज्जनक।